तो अब टिकट की क्या संभावना है, कब तक मिल जाएगी, कैसे फिर आप देखते हैं कि आदित्य को टिकट मिलती तो कितनी जीत कितने मतों से? बताओ, अभी जो समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई है उसमें किसका नाम, किसका नाम आपका है? बधाइयों से, तो आपका, आपका ही है। हाँ, तो फिर तो देखिए, मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है जी। नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में जोरों शोरों से उतर चुकी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन है। दोनों ही पार्टियां बड़े जोरों शोरों से मैदान में है। कांग्रेस ने चुनावी प्रचार भी शुरू कर दिया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। हालांकि दोनों पार्टियां अभी तक एक साथ एक मंच साझा करती नजर नहीं आई है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज नजर आ रही है। अब वो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार अपने कैंडिडेट के नाम बदल रही है। आज बदायूं से खबर आती है कि सतपाल यादव का भी टिकट कट सकता है, उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया जा सकता है बदायूं से। और ये अगर देखा जाए शिवपाल के राजनीतिक करियर में बहुत बड़ी बात है। हालांकि शिवपाल यादव ज्यादा खुश नहीं थे बदायूं से टिकट मिलने पर। पहले धर्मेंद्र यादव को कैंडिडेट बनाया गया तो उनका टिकट काट कर शिवपाल को चुना गया। अब सुनने में आ रहा है कि शिवपाल का टिकट भी कट सकता है, उनके बेटे को चुना जा सकता है। इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, मेरे साथ मौजूद है माही। माही, सबसे पहले तो यही सवाल होगा कि बार बार समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम क्यों बदल रही है, कमजोर उम्मीदवार वो क्यों उतार रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? और देखिए, पल्लवी पटेल ने उनके ऊपर आरोप भी लगाया था कि समाजवादी पार्टी कमजोर उम्मीदवार उतार कर भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि पल्लवी पटेल ने उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया है, लेकिन ये इल्जाम कयासों के आधार पे कह सकते हैं। और वाकई में हो सकता है अखिलेश यादव जो बहुत पहले से ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन को जीत दर्ज करनी है, जिसकी वजह से वो हमेशा से जिताऊ कैंडिडेट के ऊपर दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव जिन कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं उनको लग रहा होगा कि ये कैंडिडेट्स वहाँ के लिए फिट नहीं है, हो सकता है और कोई कैंडिडेट, तो जिसकी वजह से उनके मन में इस बात की शंका है और ये बात के लिए वो बार बार कैंडिडेट बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत बार बयान दिया है कि उनको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, ना कि कोई हारा हुआ थका हुआ कैंडिडेट नहीं चाहिए। अब ऐसे में ये बात हो गई। और दूसरी बात, अगर पल्लवी पटेल की कह लें, जिस तरीके से वो इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही, जब तक पल्लवी पटेल उनकी पार्टी में थी तब तक उनको कोई भी कमियां नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब उनकी पार्टी से बाहर चली गई तो अब वो कहीं ना कहीं पीडीएम को लेकर जो अखिलेश यादव और उनके बीच में जंग छिड़ते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से वो ये बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर आप बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी सपा कंफ्यूज है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि सपा अपने कैंडिडेट्स को बस जिताऊ और सीट पे जीत दर्ज करने के लिए ये सारे उलटफेर करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आप बदायूं की बात कर लीजिए, पहले धर्मेंद्र यादव को, शिवपाल यादव को वहां से बनाया गया, फिर अब आदित्य यादव की चर्चा होने लग गई और धर्मेंद्र यादव का जो टिकट काट कर अब आजमगढ़ से उनको टिकट दिया गया। तो ऐसे में ये तमाम चीजें जो सेट की जा रही है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए की जा रही है। लेकिन अगर पल्लवी पटेल ये करके दिखा रही हैं तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है अखिलेश यादव गठबंधन के साथ जुड़ के उनको कहीं ना कहीं उनके साथ विश्वासघात करते हुए नहीं नजर आ सकते। लेकिन माही, जैसे आपने बोला कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मजबूत कैंडिडेट उतारने की समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर समाजवादी पार्टी के मन में यही चल रहा है तो उसने फिर एसटी हसन का टिकट मुरादाबाद से क्यों काटा? क्योंकि एसटी हसन जो है वो एक मजबूत नेता है, मुस्लिम कद्दावर नेता है, और मुरादाबाद जो गढ़ माना जाता है, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र वो माना जाता है। ऐसे में एसटी हसन का टिकट काट देना, और एक बड़े नेता है, उनके पिताजी के टाइम से उनके दोस्त भी रहे, उनके पिताजी के मुलायम सिंह यादव जी के, वो जिस तरह से बदायूं में आप कैंपेन कर रहे थे, कल अचानक सूचना मिली कि कार्यकर्ताओं ने आदित्य के लिए मोहर लगाई है, क्यों ऐसा हुआ कि आप चुनाव लड़ रहे थे और आदित्य पे भरोसा जता रहे थे? पढ़े लिखे लोग वहां जनता ने जहां जहां गए हैं, मीटिंग करी हैं, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग की करी है कि एवा चाहिए, मांग करी है। तो अब टिकट की क्या संभावना है, कब तक मिल जाएगी, कैसे फिर आप देखते हैं कि आदित्य को टिकट मिलती तो कितनी जीत कितने मतों से? बताओ, अभी जो समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई है उसमें किसका नाम, किसका नाम
आपका है, बधाइयों से तो आपका आपका ही है। हाँ, तो फिर तो देखिए मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है जी। तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व जारी करेगा, तो जारी करी है, उसमें हमारा नाम है। और ये देखिए कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं, अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। रणनीति को रणनीति, ऐसे में उनका टिकट काट देना फिर तो कहीं ना कहीं बेवकूफी नजर आई ना। देखिए ये बात, ये राजनीति है, इसमें ये कोई चीज कहीं नहीं जा सकती कि ये मजबूत नेता है और ये कमजोर नेता है। जैसा आपने मध्य प्रदेश में देखा, शिवराज सिंह चौहान लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनको उतार कर मोहन यादव को नया मौका दिया गया। तो ऐसे में हो सकता है अखिलेश यादव के मन में भी ये बातें चल रही हों कि अगर एसटी हसन उनको एक मजबूत दावेदार के रूप में नहीं दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से वो टिकट कहीं ना कहीं उनका काटते हुए नजर आए। तो ये सारी संभावनाएं भी बनती हैं। और इसमें एक अलग अलग चीजें, जैसे मायावती के ऊपर भी ये इल्जाम लगता हुआ नजर आया कि वो बीजेपी के लिए प्लान मतलब बी टीम की तरह काम करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हर टीम अगर बीजेपी के लिए काम करती हुई नजर आई तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई एक सही बात है। बाकी आने वाले दिनों में ये पता चलता है, अगर अखिलेश यादव के जो कैंडिडेट्स उतारे हैं अगर सारों की हार होती है तो जाहिर तौर पर ये बात उस समय के लिए रिलायबल हो सकती है जी। लेकिन देखिए आपने बोला कि इस बार नया चेहरा लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए रुचि बीरा को उन्होंने मुरादाबाद से इस बार टिकट दिया है, और रुचि बीरा पहले समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीएसपी में चली गई थी, जब उन्हें वहां से हार मिली तो वापस समाजवादी पार्टी में आ गई। तो क्या ऐसे कैंडिडेट पर भरोसा जताया जा सकता है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए राजनीतिक एक परिपेक्ष है जिसमें लाभ उठाने के लिए राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं ये सारे अदल बदल करती रहती हैं। आपको बताएं जब मायावती, रितेश पांडे इतने सालों से मायावती के साथ थे, लेकिन जब उनको कहीं ना कहीं चुनावी फायदा देखना हुआ, उनको मंत्री पद की लालसा हुई, उनको पता चला कि वहां पर उनका भविष्य नहीं है, तो वो वहां छोड़कर बीजेपी में चले गए। तो ऐसे तमाम नेता जो अभी लगातार बिहार में देखिए 2 नेता ने छोड़कर वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, तो ये सारी चीजें राजनीति में चलती रहती है। इसमें कोई ऐसा कुछ नया नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये सारी चीजें अगर इंटरनली चल रही है तो ये केवल कयास के आधार पर कहे जा सकते हैं, क्योंकि इसकी अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है तो ये बात नहीं कर सकते जी। अच्छा चलिए थोड़ी सी बात हम बिजनौर सीट पर कर लें, क्योंकि वो सीट बहुत ज्यादा चर्चा में रही समाजवादी पार्टी के लिए। पहले वहां से मैदान में उतारा जाता है यशबीर सिंह धोबी के लिए, उसके बाद उनका टिकट काट दिया जाता है। उनका मतलब कि दूसरी सूची जब जारी होती है उसमें दीपक सैनी का नाम सामने आता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज नजर आते हैं, खफा नजर आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनावों में या फिर आने वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं अपने ही कार्यकर्ताओं से नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर इस तरीके से उलट फेर हो रहा है, देखिए अगर अखिलेश यादव किसी स्ट्रेटजी के हिसाब से ये काम कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर किसी से डर कर अगर बीजेपी का उनको ये नारा जो 400 पार का नारा है अगर उनको वो खटकने लगा है और उसकी हड़बड़ाहट में वो ये सारी चीजें करते हुए गतिविधियां नजर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ा झटका माना जा सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव जो इस तरीके से कदम उठा रहे हैं उनके लिए आने वाले समय में कितना हितकारी हो सकता है। खैर ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, 2024 का जब रिजल्ट निकल कर आएगा लोकसभा चुनाव का, तो देखा जाएगा कि अखिलेश यादव ने जो जाति कार्ड के खेलने की कोशिश करी है, जो कैंडिडेट बार बार वो बदल रहे हैं, वो कितने कामयाब होते हैं। और इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे मुरादाबाद की सीट हो गई, रामपुर की सीट हो गई, बिजनौर की सीट हो गई, और अब बदायूं की सीट भी चर्चा में है। इन सीटों पर ज्यादा नजर टिकी रहेगी। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अखिलेश यादव जो निर्णय ले रहे हैं, बार बार अपनी सीटों से उम्मीदवारों का नाम बदल रहे हैं, आपको ये बातें कितनी हद तक सही लगती हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।